इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको रिमूव करना है और यहाँ पे रिमूव कर देंगे। अब ये ऑटोमेटिक आप लोग रगड़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक रिमूव हो गया, देख सकते। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोग को एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग अपने इमेज को एक नेक्स्ट लेवल तक एडिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने इमेज को एडिट करते होंगे तो उसमें 7 फीचर ऐसा दिया गया है जो अपने फोटो में एडिटिंग के समय यूज जरूर करते होंगे। दोस्तों आखिर वो ऐप कौन सा है मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी तक पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ में बेल आइकन घंटी को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों आप लोग को एक बात याद रखना है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं, इस वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए फटाफट मैं आप लोग को बता देता हूँ कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है और किस तरह से उसको यूज करना है। दोस्तों आप लोग साइड में देख सकते हैं, आप लोग को सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप लोग को सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है स्नैप एडिट, ठीक है। इतना सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हैं सेकंड नंबर पे जो ऐप है इसको आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग, स्नैप एडिट AI फोटो एडिटर इस ऐप का नाम है, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली से आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे इसको। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को इसको यहीं से चाहे कहीं से, अब मैं तो यहीं से ओपन करता हूँ, आप लोग को ये ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद, ओपन करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा। ये थोड़ा सा हल्का सा लोडिंग लेता है, लेकिन अगर अभी कभी काल थोड़ा सा टाइम लगा देता है, यहाँ पे इसको ऐड को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिखाई देगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। और आप लोग को यहाँ पे 7 फीचर ऐसे दिए गए हैं, इसको यूज कैसे होता है वो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं नाम बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ARTI इफेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ रिस्टोर लिखा हुआ है, यहाँ ग्रांटेड एनिमेआई, उसके बाद लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड स्काई, रिमूव ऑब्जेक्ट या इनहेंस इमेज। 7 फीचर दिए गए। आखिर ये 7 फीचर काम कैसे करता है, देखिए सबसे फर्स्ट फीचर जो है अप्लाई ARTI इफेक्ट, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को जमा लेता हूँ, इस इमेज को ले लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग ऑटोमेटिक, यहाँ पे अभी जो लास्ट में फीचर है ना दो, वो फीचर तो और ही खतरनाक है। अभी मैं आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे AI की तरह से आप लोग ARTI जो है इफेक्ट होता है इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ सेव करेंगे। और एक बात खास इसकी और है, फुल HD में आपका इमेज सेव होगा, फुल HD में, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग को फिर दोबारा मैं बैक आ जाए, ये तो फर्स्ट फीचर था। अब बात करते हैं सेकंड फीचर की, तो यहाँ पे आप लोग को फिर दोबारा प्लस पे जाना है, यहाँ रिस्टोर देख सकते हैं भैया, ये भी बहुत ही तगड़ा है फीचर है। रिस्टोर पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग का जो कोई भी इमेज धुंधला हो, थोड़ा सा ऐड आ जाता है, ऐड आने में साउंड माने तो धुंधला हो, या समझ लीजिए कोई पुरानी पिक्चर हो, जैसे बाबा आदम के जमाने की पुरानी पिक्चर हो, उसको आप लोग यहाँ पे बिल्कुल साफ कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से फोटो था, इस तरह से साफ हो गया। अब देखिए भैया आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कितना अच्छा फीचर है, इस तरह से आप लोग को साफ हो गया होगा। अब ये तो हुआ सेकंड फीचर, अब बात करते हैं थर्ड फीचर की। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन बात करते हैं थर्ड फीचर की। यहाँ पे फिर दोबारा प्लस वाले जाना है, यहाँ ग्रांटेड एनिमेआई लिखा हुआ है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मान लेता हूँ यही इमेज मैं ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, उसके बाद ये इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग को फिर दोबारा 5-6 सेकंड का ऐड आएगा। भैया ऐड तो प्रेजेंट टाइम में आप लोग कोई भी एडिटिंग ऐप लेते हैं तो ऐड तो थोड़ा बहुत आता ही है। यहाँ पे आप लोग को बैक कर देना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल तक इसको इमेज भी बना सकते हैं, वीडियो इफेक्ट भी बना सकते हैं, इसको वीडियो की टाइप में आप लोग भी बना सकते हैं। जिस तरह से आप लोग को क्रिएट करना है उस तरह से आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक AI एनिमेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं वीडियो भी बन चुका है यहाँ पे, यहाँ साइड में इमेज ओनली लिखा हुआ है, यहाँ पे वीडियो इफेक्ट लिखा हुआ है, दोनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कौन सा कितने नंबर पे, ये तो थर्ड नंबर था शायद यहाँ पे। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। और भैया फोर्थ नंबर वाला जो ऐप है ना, जो फीचर है ना, वो बहुत ही गजब है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रिम्यू बैकग्राउंड। आप लोग सोच रहे होंगे रिम्यू बैकग्राउंड में किस तरह से होगा, इसमें एक ऐसा जो फीचर है ना रिम्यू बैकग्राउंड में ही बहुत मुझे पसंद आया है। आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मान लेता हूँ ये रिम्यू बैकग्राउंड मुझे ऐसा करना है, तो इसमें भी मैक्सिमम 5 सेकंड का ऐड आएगा। ऐड तो सभी फीचर सभी ऐप में आता ही है इसमें बस, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी सबसे बड़ी बात है ना, आपका जो बैकग्राउंड रिम्यू होगा ना वो तुरंत हो जाएगा, और दोस्तों ये फुल HD में होगा, ये सबसे बड़ी बात है, और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ये भी फुल HD देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी फटेगा नहीं आपका इमेज, इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा फीचर की, यहाँ पे फिफ्थ नंबर की, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब फिफ्थ नंबर की बात करते हैं स्काई, ये भी थोड़ा बहुत मुझे पसंद आया है, क्योंकि इसके जितने भी फीचर है ना सभी मुझे पसंद आया। स्काई पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैं इमेज ले लेता हूँ, इसमें भी मतलब इसमें थोड़ा बड़ा ऐड आ गया, इसको मैं
स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पे आप लोग क्लिक करके सिर्फ आपका स्काई जो है ना, इमेज तो नीचे रहेगा, स्काई सिर्फ चेंज होगा ऑटोमेटिक। भैया आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे बहुत तरह तरह की स्काई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये भी जितना भी इमेज यहाँ पे सेव करेंगे ना सभी के सभी फुल एचडी में होगा। आप लोग ये भी एक फीचर यूज कर सकते हैं। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग अभी दो फीचर और बचा हुआ है शायद, यहाँ पे फिर दोबारा इससे जाएंगे। अभी देख सकते हैं रिम्यू ऑब्जेक्ट, इसमें एक क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है, मैं आप लोग को भी बता देता हूँ अभी कौन सी क्वालिटी अच्छी दी गई है। रिम्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने बाद इस पे एक इमेज ले लेता हूँ, उसका 5 सेकंड का एड है, ये तो मिला फिलहाल बहुत ही छोटा है, इसको यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दो तरह से इसको मतलब है इसका जो रिम्यू कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड रिम्यू उसको दो तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैनुअल है, तो अगर आप लोग इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पे रिम्यू करेंगे तब जाके रिम्यू होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग AI यहाँ साइड में AI लिखा हुआ है ऑटो AI, इस पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो ये स्कैन हो जाएगा, और इस पे बस क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको रिम्यू करना है और यहाँ पे रिम्यू कर देंगे। अब ये ऑटोमेटिक आप लोग रगड़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक रिम्यू हो गया, देख सकते हैं आप लोग जो बैक है देख सकते हैं बैक ऑटोमेटिक। उसके बाद इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, इस पे ये बैक पे यहाँ पे फिर दोबारा रिम्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे भी पूरा एकदम अच्छी तरह से रिम्यू हो गया, इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी टिक करेंगे, इस पे टिक करेंगे, इस पे टिक करेंगे, जितना है उसको टिक कर देंगे या रिम्यू कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे रगड़ना नहीं पड़ेगा और फुल HD में आपका इमेज सेव होगा। ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है। अब बात करते हैं लास्ट फीचर की, तो जो हमारा लास्ट फीचर है वो भी देख लेते हैं क्या है। इनहेंस इमेज है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, मान लेता हूँ मुझे यही इमेज लेना है, इनहेंस कर देता हूँ। और यहाँ पे ये भी थोड़ा लंबा ऐड है, इसको भी स्किप कर देते हैं फटाफट। स्किप करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिनिशिंग का ऑप्शन है। आप लोग को यहाँ पे जो इमेज आप लोग, जैसे कि आप लोग का इमेज थोड़ा बहुत धुंधला होता होगा, जैसे कि फटता होगा, तो इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर बिफोर यहाँ पे भी इसको रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल जो एक होता है रिमनी उस तरह से ये दिया गया है। और दोस्तों रिमनी में भी मतलब क्वालिटी अच्छी मिलती है, लेकिन इसमें उससे भी अच्छा क्वालिटी मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का इमेज जो है ना वो नेक्स्ट लेवल तक, यहाँ देख सकते हैं राउंड 2 इसका और भी अच्छा लेवल, राउंड 3 ये भी लेवल और भी अच्छा, मतलब इसमें 3 लेवल दिए गए हैं, आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा और यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे अल्ट्रा भी दिया गया है, आप लोग उसमें भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये 7 फीचर ना एक ऐप में बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर पसंद आएगा ना तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से, और आप लोग को इसी तरह का वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू टाटा, बाय बाय।